वट्स एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इन्वेंट्री वैल्यूएशन जिसमें हम लोगों ने पीरियॉडिक परपीचुअल दोनों मैथड्स के बारे में पढ़ा उसके बाद फीफो लीफो वेटेड एवरेज अलग अलग मैथड्स कौन कौन से होते हैं वो सब देखा क्वेश्चन हम लोगों ने करते फीफो और लीफो के आज की क्लास में हम चैप्टर को एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे वेटेड एवरेज पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसके अलावा इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स उसके साथ साथ हमारे पास एक टॉपिक आता है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेजेस तो वो सब आज की क्लास में कवर करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और आपका चैप्टर एंडिंग की तरफ चला जाएगा तो चलिए जल्दी से इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और आपके इस चैप्टर में नंबर करते हैं पक्के चलिए लेट्स बिगेन आइए जी शुरू करते हैं हम लोग आज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्या होता है जी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड? वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। प्रॉफिट तो हमारा गुडविल वाला पार्ट में चला गया वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या होता है हमारे पास यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है इट इज वैल्यूड एट द वेटेड एवरेज कॉस्ट हमारे पास ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये वैल्यू होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट पे सर वेटेड एवरेज कॉस्ट है क्या या वेटेड एवरेज कॉस्ट निकलता कैसे है तो देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है दो चीजें चाहिए आपको दो चीजें कौन कौन सी हैं एक तो टोटल वैल्यू कितना है डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितना है तो आपके पास एक रेट निकल के आ जाएगा आप उसको कंसिडर करोगे आपका एक्चुअल रेट मतलब हम लोग लेते हैं ना क्वान्टिटी रेट uh, और फिर वैल्यू राइट right. तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट आपको हर बार एक वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना होगा और पूरा क्वेश्चन उससे होगा ये फॉर्मूला याद रखना टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी आओ सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है क्वेश्चन से तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा बड़ा सिंपल सा हो जाएगा काम चलो जी देखो क्या लिखा हुआ

एक डेट का कॉलम चाहिए उसके बाद रिसेप्ट इशू एंड द बैलेंस अरे भाई ये लाइन कैसे खींच जाती है कभी कभी डेट रिसिप्ट इशू बैलेंस उसके बाद क्वांटिटी, रेट वैल्यू क्वांटिटी, रेट वैल्यू क्वांटिटी, रेट और वैल्यू लो सर सबसे पहले तो अपना बेसिक फॉर्मेट तैयार करो क्वांटिटी, रेट वैल्यू रिसिप्ट इशू और बैलेंस सॉर्टेड ये तैयार हो गया अब हम सीधा क्वेश्चन के अंदर चलते हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है फर्स्ट जनवरी को तो मैं यहां पे लिखूंगा फर्स्ट जनवरी रिसिप्ट uh, कुछ नहीं है साहब इशू कुछ नहीं है सीधा बैलेंस है 200 यूनिट का अट्ठारह रुपये के हिसाब से 200 यूनिट का अट्ठारह रुपये के हिसाब से तो एटीन टू टू थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स हंड्रेड का मेरे पास टोटल स्टॉक फिलहाल है राइट अब हमारा यहाँ से पहला ट्रांजैक्शन आ जाएगा सेकेंड जनवरी पे परचेज करें सौ यूनिट्स पंद्रह के हिसाब से सेकेंड जनवरी पे हमने सौ यूनिट्स परचेज करे हैं पंद्रह रुपये के हिसाब से यहां आ गया पंद्रह सौ यहां कितना आ गया हमारे पास पंद्रह सौ अब आपको क्या करना है यहां ध्यान देना देखो थर्टी सिक्स हंड्रेड पहले से थे वैल्यू जो थी गुड्स की वो कितनी थी थर्टी सिक्स हंड्रेड पहले से थी अभी और कितनी आ गई पंद्रह तो आपको क्या करना है थर्टी सिक्स हंड्रेड प्लस पंद्रह यानी कि टोटल वैल्यू आ गया फोर्टी सिक्स और पांच फिफ्टी वन हंड्रेड आ गया फिफ्टी वन हंड्रेड फिफ्टी वन हंड्रेड देखो मैंने क्या लिखवाया था टोटल वैल्यू आ गया डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी पहले आपके पास क्वांटिटी कितना था 200 यूनिट्स अभी 100 और आ गए अभी कितने आ गए 100 और तो 200 प्लस 100 तीन ही आ गए लगाओ जी 5100 डिवाइड बाय 300 डबल जीरो से डबल ज़ीरो खत्म 313 21 थ्री ट्वेंटी वन थ्री सेवन सार ट्वेंटी वन तो आपके पास पता क्या हुआ आपके पास हो गए अब दो सौ और सो तीन सौ यूनिट सत्रह रुपए के हिसाब से जिनकी वैल्यू फिफ्टी वन हंड्रेड है तो आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है ना वो सेवेंटीन आ गया आपका काम खत्म इसमें अलग 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 लॉट्स का मसला नहीं है टेंशन फ्री रहो लो जी बड़े ध्यान से देखो क्या हो गया है अब आपके पास 300 सौ यूनिट हो गए सत्रह रुपए के हिसाब से 5100 हर बार इस तरीके से काम चलेगा समझ आ गया ना बढ़िया है ना क्या करना है बस टोटल वैल्यू निकालनी है और डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी कर देना एक वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगा उससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है चलो अब देखो पचास यूनिट आपने इशू कर दिए चौदह जनवरी को पचास यूनिट आपने इशू कर दिए फोटीन जनवरी को इशू करे हमने पचास यूनिट्स ऑब्वियसली एक ही रेट है सेवनटीन तो सेवनटीन इंटू फाइव कितना हो जाता है हमारे पास जो मैथ्स वाले हैं जल्दी से बताओ कैलकुलेटर से मत करना तुम तुम्हें याद होना चाहिए टेबल मेरे पेपर हो गए एट फिफ्टी 850 हमारे पास से चले गए तो सर बैलेंस कितना बचेगा भाई 300 में से 50 गया तो 250 बचा रेट सेम रहने वाला है 5100 माइनस 850 4250 आ जाएगा 4250 डन हो गया क्लियर होता है या नहीं होता है चलो सर 200 यूनिट फिर खरीद लिए बीस रुपये पर यूनिट के हिसाब से एटीनथ जनवरी को 18 जनवरी को 200 यूनिट खरीद लिए किस रेट पे बीस रुपये के हिसाब से 200 सौ इंटू बीस यहाँ तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा 4000 बट अब यहाँ पे क्या होगा फिर से टोटल वैल्यू 4250 पहले से था 4000 और आ गया तो 4250 टू फाइव ज़ीरो प्लस चार हजार हो जाएगा ठीक है एंड टोटल क्वांटिटी हो जाएगा 250 सौ प्लस दो सौ ढाई सौ प्लस दो सौ इज चार सौ पचास तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा एट टू फाइव ज़ीरो डिवाइड बाई फोर फाइव जीरो एटीन पॉइंट थ्री थ्री आ गया एटीन पॉइंट थ्री थ्री के हिसाब से चार सौ पचास यूनिट हो गए एट टू फाइव जीरो हो अब देखो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गया हर बार एवरेज कॉस्ट निकालना है ठीक है एवरेज कॉस्ट कैसे टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी ये फार्मूला माइंड में सेट कर लेना सॉर्टेड चलो सर फिर 100 यूनिट इशू कर दिए मज़ा आ गया बीस जनवरी को बीस जनवरी को 100 यूनिट इशू कर दिए प्राइस ये था एटीन पॉइंट थ्री थ्री तो आपके वन एट थ्री थ्री के चले गए वन एट थ्री थ्री के चले गए जी ठीक है अब चार सौ पचास में से सो गया तो कितना बचा तीन सौ पचास बचा एटीन पॉइंट थ्री थ्री के हिसाब से और एट एट टू फाइव ज़ीरो माइनस वन एट थ्री थ्री सिक्स फोर वन सेवन बचेंगे सिक्स फोर वन सेवन परफेक्ट हो गया जी सही है समझ में आ रहा है बस वेटेड एवरेज कॉस्ट का खेल है आपने एक बार वो देख लिया तो क्वेश्चन होता चला जाएगा अच्छा जी डेढ़ सौ यूनिट परचेज करने हैं अब इशू हो गए अब खरीदने हैं डेढ़ सौ यूनिट पच्चीस रुपये पर यूनिट के हिसाब से वन फिफ्टी यूनिट्स परचेज करने हैं अब हमें अब हमें ट्वेंटी सिक्स जनवरी को छब्बीस जनवरी पे, डेढ़ सौ यूनिट खरीदे हैं पच्चीस रुपये के हिसाब से डेढ़ सौ यूनिट हमने ख़रीदे हैं पच्चीस रुपये के हिसाब से तो थ्री सेवन फाइव ज़ीरो इशू का कुछ नहीं करना है फिर से वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा टोटल वैल्यू सिक्स फोर वन सेवन प्लस थ्री सेवन फाइव ज़ीरो सिक्स फोर वन सेवन प्लस थ्री सेवन फाइव ज़ीरो वन ज़ीरो वन सिक्स सेवन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स यानी टोटल क्वांटिटी थ्री फिफ्टी प्लस वन फिफ्टी पाँच सौ वन ज़ीरो वन सिक्स सेवन डिवाइड बाय पाँच सौ ट्वेंटी पॉइंट थ्री थ्री ट्वेंटी पॉइंट थ्री थ्री पाँच सौ यूनिट वन ज़ीरो वन सिक्स सेवन लो सर ठीक है शॉटेड है तो फीफो कैसे करना है लीफो कैसे करना है वेटेड एवरेज कैसे करना है फीफोलीफो में क्या होता है फीफोलीफो में बहुत सारे लॉट्स होते हैं इसमें देखो कोई लॉट्स नहीं है बस एक ही बार एक वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाला सारा काम उसी कॉस्ट पे होना है चाहे आपने क्वांटिटी निकाली है खरीदी है तो अलग अलग पे होगा बट कॉस्ट तो एक ही निकल जाता है ना टेंशन फ्री रहते हो आप इस मेथड में अच्छा सर अब इशू कर दिए अट्ठाईस तारीख को बस अट्ठाईस ट्वेंटी जनवरी इशू कर दिए हंड्रेड यूनिट्स रेट एक ही है ट्वेंटी पॉइंट थ्री थ्री तो टू ज़ीरो थ्री थ्री के इशू हो जाएंगे बाकी आपका बैलेंस आ गया काम हो गया हमारा पाँच सौ में से सो गए तो चार सौ यूनिट ट्वेंटी पॉइंट थ्री थ्री के हिसाब से वन ज़ीरो वन सिक्स सेवन माइनस टू जीरो थ्री थ्री तो एट वन थ्री फोर आपका आंसर आ जाएगा लो जी सर द वैल्यू ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक चार सौ यूनिट है आपके पास बीस रुपए के हिसाब से एट वन थ्री फोर का आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया बात समझ आई तो दिस इज इस हाउ इसका स्क्रीन ले लो यार ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन सॉल्व करने में इस तरीके से वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करते हैं आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा तीनों ही मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे अब हम चलते हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे जो इसके अंदर आते हैं जैसे कि इफेक्ट्स ऑफ रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अगर हम इन्वेंट्री का गलत वैल्यूएशन कर देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है दो चीजों पे इम्पैक्ट आएगा इसका ध्यान रखना अगर गलत वैल्यूएशन होगा ना तो इसका दो चीजों पे इम्पैक्ट आएगा एक तो इम्पैक्ट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट पे और एक इसका इम्पैक्ट आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे दोनों चीजों पर इंपैक्ट आता है ऑल ये टॉपिक आपने क्लास ट्वेल्थ में भी पढ़ा है एवरेज प्रॉफिट जब गुडविल निकालते थे ना एवरेज प्रॉफिट मेथड से वहां पे भी याद करो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन वही चीज़ है क्या होता है देखो पहले तो मैं एक जगह लिख देता हूं सो so दैट आप नोट्स बना पाओ फिर समझा दूंगा क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है ना यानी कि ओवर वैल्यूड है इससे क्या होगा आपका जो प्रॉफिट है जीपी है वो भी बढ़ा हुआ आएगा और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कम आएगा ये याद रखना भाई प्रॉफिट बढ़ा है तो कॉस्ट कम दिखाई देगा ना है ना और क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका अंडर वैल्यूड है तो आपका जीपी भी अंडर वैल्यूड आएगा जीपी अंडर वैल्यूड आएगा तो कॉस्ट बढ़ावा सही हो गया ओके सर ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ावा है इट मीन्स जीपी गिरा हुआ है तो सीओ जी एस बढ़ा हुआ है सही है और ओपनिंग स्टॉक अगर कम है तो जीपी ज्यादा है इट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है पहले तो ये नोट कर लो फिर इसको समझाता हूं तुम्हें तो बड़े ध्यान से लो स्क्रीन लो नोट करो चलो अब इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है ठीक है हम लोग एक टेम्परे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं टेम्प्रेरी मतलब क्या शब्द यूज करा है मैंने आओ जी एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं क्लास इलेवेंथ में भी आपने बनाया होगा राइट तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ले लो ओपनिंग स्टॉक लेट से फाइव लाख रुपीस, उसके बाद परचेजेस ले लो परचेजेस हो गया वन लाख दिस इज नेट परचेजेस, ओके दिस इज नेट परचेजेस यानी परचेज माइनस परचेज रिटर्न फिर कुछ खर्चे ले लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक, 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 एक लाख रुपए के एक्सपेंसेस एक ले लो सेल्स ले लो फाइव लाख रुपीस की और क्लोजिंग स्टॉक ले लो आप थ्री लाख रुपीज का तो अगर आपको जीपी निकालना तो जीपी कैसे निकलता है इधर का टोटल करो एट लाख माइनस सेवन लाख लाख रुपीज का आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया लाख का आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, करेक्ट है अब अगर मैं आपको बोलूंगी इस केस में सीओजीएस कितना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है तो आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक पांच लाख प्लस परचेजेस एक लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक तीन लाख तो जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो है पांच छह सात सात माइनस तीन चार लाख कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है चार लाख है या नहीं है चार लाख आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भाई चार वाली चीज पांच की बेची होगी तभी तो जीपी आया एक लाख का करेक्ट है अब अगर मैं आपको बोलूं कि हमें क्या करना है यहां पे हमें क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करना है क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर देना है अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दू लेट सपोज लेट सपोज इसको गलती से तीन लाख की जगह इसको गलती से तीन लाख की जगह मैं चार लाख लिख दू अगर मैं इसको गलती से तीन लाख की जगह चार लाख लिख दू तो क्या इंपैक्ट आएगा फाइव प्लस फोर या नाइन हो जाएगा नौ लाख हो जाएगा इधर नाइन माइनस सेवन तो यहां पे एक लाख नहीं दो लाख आ जाएगा देखो क्या इंपैक्ट आया अगर क्लोजिंग स्टॉक एक लाख से बढ़ाया तो प्रॉफिट भी एक लाख से बढ़ गया मैंने आपको यही लिखवाया था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाता है प्रॉफिट बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे क्या इंपैक्ट आएगा देखो अगर हम कॉस्ट ऑफ सोल्ड पे चले तो ये तीन लाख की जगह यहां चार लाख करना पड़ेगा तो ये चार लाख की जगह कितना आ जाएगा तीन लाख आ जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे फोर करना पड़ेगा है ना तो सेवन माइनस फोर ये थ्री इसका मतलब ये कम हो गया या नहीं हो गया मैंने यही लिखवाया था आपको सीओ जी एस कम हो जाएगा देखो जरा चेक करो क्लोजिंग स्टॉक हो तो प्रॉफिट बढ़ावा होगा बट COGS कम होगा हो गया यही काम ठीक है अब अगर ये अंडर वैल्यूड हो सर अगर अंडर वैल्यूड हो उसका क्या मतलब है अंडर वैल्यूड का मतलब है कि आपने कम लिखा हुआ है लेट सपोज इसको आप ले लो थ्री लाख ,00 की जगह टू लाख फिफ्टी थाउजेंड कम कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड कर लेते हैं कम कर लिया कम करा तो उससे क्या होगा अगर ये टू फिफ्टी है तो ये एट लाख ,00 की जगह फाइव एंड टू फिफ्टी ये आ जाएगा सेवन फिफ्टी सेवन फिफ्टी में से सेवन हटा तो ये एक लाख ,00 की जगह फिफ्टी थाउजेंड आ जाएगा कम हो गया देखो प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक कम करने से प्रॉफिट भी कम हो गया सी जी एस आप निकाल के देख लेना सी जी एस बढ़ के आ जाएगा क्लियर हुआ हाइपोथेटिकली यही चीज आप ओपनिंग स्टॉक पे ट्राई करके देखना एक बार ओपनिंग स्टॉक बढ़ा के देखना एक लाख रुपए से ठीक है ओपनिंग स्टॉक बढ़ा के देखो आप पचास हजार रुपये से बढ़ा लो चलो पचास हजार से एक बार बढ़ा के देखना और एक बार कम करके देखना पचास हजार से इसका क्या इंपैक्ट आएगा क्या जो मैंने आपको लिखवाया है बाकी फिगर सेम रखना इसको फाइव लाख इसको फाइव लाख ही रखना इसको थ्री लाख ही रखना इसको लाख लाख ही रखना प्रॉफिट लाख ही रखना ये तो आप बाद में निकालोगे प्रॉफिट तो बाद में निकालोगे इस वैल्यू में पचास हजार एक बार प्लस करके देखो कितना प्रॉफिट आता है पचास हजार एक बार माइनस करके देखो कितना प्रॉफिट आता है तो आपको ये चीज रियलाइज होगी कि अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो जीपी कम हो गया सीओजीएस बढ़ के आया ये आपको पता होना चाहिए तो इसीलिए मेजर का क्या इंपैक्ट आता है ये जस्ट आपकी नॉलेज में होना चाहिए और कुछ नहीं है करेक्ट है है जी ऐसा ही एक और छोटा सा टॉपिक इसमें आता है, जो कि होता है ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड लॉसेस इसको थोड़ा ध्यान एबनॉर्मलो समझना और इसका क्वेश्चन भी मैं आपको अभी कवर करा देता हूं बड़ा ध्यान से करने वाला टॉपिक है बहुत टिपिकल नहीं है बट कई बार बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है देखो क्या हो रहा है इस केस में हमारे पास दो प्रकार के लॉसेस हैं एक है हमारे पास नॉर्मल लॉस और एक है हमारे पास एब लॉस देखो नॉर्मल लॉस वो है जो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में होना ही होना है हम जब भी कभी प्रोडक्शन करते हैं तो रॉ मटेरियल से वर्किंग इन प्रोग्रेस वर्किंग इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड तैयार होगा ना माल मटेरियल तैयार होगा जब तैयार होगा तो लोडिंग अनलोडिंग में ब्रेकेज भी होगा स्पॉइलेज भी होगा टूटेगा भी सामान खराब भी होगा सामान तो उसको आप रोक नहीं सकते दैट इज अ नॉर्मल थिंग उसको हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं बट चोरी होना क्या आप थोड़ा ज्यादा केयरफुल होकर चोरी होने से बच सकते हो आग लगना क्या थोड़ा ज्यादा केयरफुल होकर आग लगना रोकी जा सकती है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एबनॉर्मल हैं जो अनएंटिसिपेटेड है जो रोकी जा सकती हैं तो उनको हम एबनॉर्मल बोलते हैं एबनॉर्मल कौन से होंगे अनएंटिसिपेटेड नॉर्मल होंगे जो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में आएंगे ही आएंगे बट ये रोका जा सकता है इट कैन बी प्रिवेंटेड दिस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड इसको नहीं रोक सकते यार ये होगा ही होगा पार्ट ऑफ प्रोसेस है ओके okay, अब देखो एग्जाम्पल्स लिख दिए मैंने इधर वही आ गया लॉस बाय थे फायर और इधर आ गया लॉस ऑन लोडिंग अनलोडिंग लीकेज श्रिंकेज ये नॉर्मल सा क्राइटेरिया है वेदर की वजह से चीजें श्रिंक भी होती है लीकेज भी होती है थोड़ा बहुत चलता है स्टॉक के साथ ये करेक्ट है अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको ट्रीट कैसे करना है तो देखो अगर तो है अब नॉर्मल लॉस वो क्वेश्चन बताएगा या लॉस बाय फायर लॉस बाय थेफ्ट ऐसा लिखा होगा एब नॉर्मल लॉस अगर है तो उसको इशू कंसिडर करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम उसको हम क्या कंसिडर consider करेंगे कंसिडर्ड एज इशू ऑफ गुड्स ये याद रखना को इशू करना है नॉर्मल को क्या होगा नॉर्मल से आपको कॉस्ट को इन्फ्लेट करना है यानी इन्फ्लेशन शो करना है कॉस्ट बढ़ जाएगा अगर नॉर्मल लॉस आ रहा होगा कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा सर कैसे बढ़ेगा थोड़ा समझाओ ना आओ एक क्वेश्चन के मदद से समझाता हूँ देखो मैंने लिखा है प्रिपेयर अ स्टोर लेजर एंड कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग फीफो ओके फीफो से करना है लीफो आप खुद ट्राई करोगे ये आपका होमवर्क रहेगा लीफो विल बी और होमवर्क आप खुद ट्राई करोगे कि लीफो से क्या इंपैक्ट आता है लीफो से कितना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आता है मैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी डाल दूंगा कि क्या आंसर आना चाहिए लीफो से ओके okay, चलो शुरू करते हैं देखो किस तरीके से होगा वही तीन कॉलम बना लो सबसे पहले अपने एक डेट का कॉलम उसके बाद रिसिप्ट इशू बैलेंस डेट रिसिप्ट इशू एंड बैलेंस देन वी हैव क्वांटिटी रेट और वैल्यू क्वांटिटी रेट वैल्यू क्वांटिटी रेट वैल्यू क्वांटिटी रेट वैल्यू क्यू आर वी क्यू आर वी

सौ यूनिट दस रुपए के हिसाब से एक हजार रुपए का मेरे पास बैलेंस आ गया दिस इज बैलेंस इनिशियली ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है करेक्ट है फिर आपने दो सौ यूनिट खरीदे बारह रुपए के हिसाब से दो सौ यूनिट बारह रुपए के हिसाब से तो पांच जनवरी को दो सौ यूनिट बारह रुपए के हिसाब से चौबीस सौ रुपए के आपके पास आ गए करेक्ट है दो सौ यूनिट बारह रुपए के हिसाब से आपके पास आ गए सौ आपके पास पहले से हैं और 200 यूनिट आपके पास और आ गए अब ये जो इसमें लॉट्स बनते हैं ना ये इन मेथड्स को लेंदी बनाते हैं वेटेड एवरेज सबसे बढ़िया है अपना ये एक वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल के चलो टेंशन फ्री इसीलिए वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है और सब जगह वही चलता है फीफो लीफो कम चलते हैं मतलब लीफो तो चलता ही नहीं है फीफो कुछ लोग यूज़ करते हैं पचास यूनिट इशू कर दिए गए भाई सात तारीख को सात तारीख को पचास यूनिट इशू कर दिए गए अब क्योंकि हम फीफो यूज कर रहे हैं तो पहले वाले लॉट में से जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहला वाला लॉट दस रुपए का था तो दस के हिसाब से 500 सौ का माल गया सौ में से पचास गया तो पचास बचा दस के हिसाब से आपके पास वैल्यू बचेगा 500 सौ और दो जो है वो एज इट इज है आपके पास ये आपका थर्ड ट्रांजेक्शन डन ठीक है जी उसके बाद क्या हो रहा है नेक्स्ट इज डेढ़ सौ यूनिट आपने और खरीद लिए ग्यारह रुपए के हिसाब से डेढ़ सौ यूनिट और खरीदे ग्यारह रुपए के हिसाब से कौन सी डेट पे है टेंथ जनवरी डेढ़ सौ यूनिट आपने और खरीदे ग्यारह रुपए के हिसाब से क्या वैल्यू बन जाएगी सर डेढ़ सो इंटू ग्यारह वन सिक्स फाइव जीरो यह आपने और ख़रीद लिए ठीक है जी लॉट तीन हो गए फिफ्टी टेन फाइव हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेल्व ट्वेंटी फोर हंड्रेड और डेढ़ सौ यूनिट और खरीद लिए ग्यारह रुपये के हिसाब से वन सिक्स फाइव जीरो दिस इज सॉर्टेड ठीक है ये भी सॉर्ट हो गया अब इसके बाद आई थिंक सब कुछ विजिबल आ रहा होगा आपको अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज द नॉर्मल वेस्टेज बेटा जी नॉर्मल वेस्टेज हुआ है नॉर्मल मैंने अभी लिखवाया कि उसको अवॉइड नहीं करा जा सकता दिस इज अवॉइडेबल ये होगा ही होगा इसके होने से क्या होगा प्राइजेस इन्फ्लेट हो जाएंगे सर प्राइस इन्फ्लेट कैसे होगा आप प्लीज मुझे समझाओ ना आओ मैं आपको समझाता हूं देखो जो नॉर्मल वेस्टेज हुआ ना कंसीडेट पे हुआ है 15 तारीख पे मैं इसको इसी पेन से लिखूंगा हमारे 20 यूनिट्स स्पॉइल हो गए हमारे 20 यूनिट स्पॉइल हो गए हैं ठीक है तो आप जो 20 यूनिट स्पॉइल करोगे ना वो इस 10 इस पहले वाले लॉट में से ही करोगे क्योंकि फीफो है फीफो में हम पहले वाले लॉट में से करते हैं अगर लीफो होता अगर लीफो होता जो कि आपका होमवर्क है तो इस 20 को फिर आप इस वाले लॉट में से मानोगे वेस्टेज अगर फीफो है तो ये वेस्टेज कहां से माना जा रहा है इस वाले लॉट में से तो फीफो के केस में तो यहां से कम होगा ये और लीफो के केस में यहां से कम होगा वेटेड एवरेज में तो सिंपल है वेटेड एवरेज में तो बहुत सारे कॉलम्स ही नहीं होते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली बट फीफो और लीफो में याद रखना फर्स्ट फर्स्ट इन आउट में में ऊपर वाले लॉट से वेस्टेज होगा करेक्ट है अब देखो बीस यूनिट जो है आपके खराब हो गए करेक्ट है तो अब आपको क्या करना है बड़े ध्यान से मेरी बात समझना दस वाले लॉट में से दो रुपए का आपका नुकसान हो गया लेकिन लेकिन इससे होगा क्या आपको ये कंसीडर करना है कि भैया 50 में से 20 मेरे खराब हो गए तो अब मेरे पास 30 ही यूनिट बचे 50 में से अगर मेरे 20 खराब हो गए तो मेरे पास 30 यूनिट्स बचे लेकिन 30 का जो टोटल वैल्यू है वो तो मुझे 500 ही चाहिए भाई मुझे जितने के पड़े हैं मुझे उतना तो कमाना ही है ना तो इसका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ के आ जाएगा क्या होने वाला है पर यूनिट कॉस्ट बढ़ के आने वाला है तो मैं बोलूंगा भाई पाँच मुझे चाहिए और यूनिट मेरे पास है, तो अभी एक का जो प्राइस लेना है ना वो सिक्स सेवन लेना है ना कि दस देखो अगर इसमें से वेस्टेज हो गया तो मुझे पैसा तो उतना ही चाहिए ना भाई मुझे कमाना तो पांच सौ ही है ना मैं कॉस्ट तो उतना ही रखने वाला हूं ना तो ये तो सेम रहने वाला है क्वांटिटी जो है पचास में से क्योंकि मेरा बीस का वेस्टेज हो गया तो यहां पे थर्टी रह गया बट ये वैल्यू मैं निकाल लूंगा पांच सौ डिवाइड बाई थर्टी से क्लियर हुआ कैसे करना है नॉर्मल को नॉर्मल को ऐसे कंसिडर करना है सपोज ये लीफो है जो आपका होमवर्क है तो यहाँ पे वन फिफ्टी माइनस ट्वेंटी वन थर्टी बचेगा प्राइस यही रखना है सोलह सो पचास अपॉन वन थर्टी एवरेज एवरेज प्राइस आ जाएगा आपके पास समझ आई बात क्लियर हुआ चलो अब क्या होगा पचास यूनिट आपने और खरीद लिए फिफ्टी यूनिट तेरह रुपए के हिसाब से फिफ्टी यूनिट्स अच्छा अब इसे पूरा तो कर दो थर्टी हो गए दो सौ बारह वाले चौबीस सौ के आपके पास हैं, और डेढ़ सौ ग्यारह वाले सोलह सो पचास रुपए के आपके पास हैं। नॉर्मल लॉस को कैसे दिखाना है आई होप आपको समझ आ गया होगा और लीफो से आप बिल्कुल सही करके आंसर बताओगे मुझे होमवर्क में पंद्रह जनवरी को हुआ था ये पच्चीस जनवरी को क्या हुआ है हमारे पास पच्चीस जनवरी को हमने पचास यूनिट खरीदे हैं तेरह रुपए के हिसाब से पचास यूनिट तेरह रुपए के हिसाब से छह सौ पचास रुपए के तो तीस तो मेरे पास पहले से हैं सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन के हिसाब से पाँच सौ रुपए के दो सौ ये हैं बारह रुपए के हिसाब से चौबीस सौ के डेढ़ सौ ये हैं ग्यारह रुपये के हिसाब से सिक्सटीन फिफ्टी के और पचास मैंने और खरीद लिए थर्टीन रुपीस के हिसाब से ये सिर्फ सिक्स फिफ्टी के चलो सर चार लॉट्स हो गए अब क्या हुआ है अब हुआ है एब नॉर्मल वेस्टेज लो सर एब नॉर्मल का मतलब सत्तर जो यूनिट्स हैं आग लग गई या कुछ हो गई इस तरीके की चीज़ें हो गई तो यार गुड्स ही डिस्ट्रॉयड हो गए ही ख़त्म हो गए तो उसका पैसा कहाँ से मिलना है तो इसको आप नॉर्मल इशू की तरीके से कंसिडर कर लोगे एब नॉर्मल हो तो आप इशू की तरीके से कंसिडर कर लोगे ट्वेंटी जनवरी में यहाँ पे आपके सेवेंटी यूनिट्स जो हैं बट मेरे पास अब फीफो है अगर फीफो है तो सेवेंटी यूनिट्स ख़त्म हुए ना तो तीस तो यहाँ से जाएंगे तीस तो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन के रेट पे यहाँ से जाएंगे और सेवेंटी है ना टोटल फोर्टी यहाँ से जाएंगे चालीस बारह रुपये के हिसाब से चार सौ अस्सी यहाँ से जाएंगे तो अब दो सौ में से चालीस गए तो एक सौ साठ इंटू बारह तो यहाँ बचेगा वन सिक्सटी इन टू उन्नीस सौ बीस तो इस वाले लॉट में से बचा ये एज इट इज आ जाएंगे दोनों लॉट्स वन फिफ्टी एलेवन वन सिक्स फाइव जीरो फिफ्टी थर्टीन सिक्स फिफ्टी ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आप जब इसका सम करोगे ना इस सब का टोटल कर दोगे दिस इज वैल्यू ऑफ यफ्टर नॉर्मल एंड एब नॉर्मल वेस्टेजेस वन नाइन टू जीरो प्लस वन सिक्स फाइव जीरो प्लस सिक्स फिफ्टी फोर टू टू जीरो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक कंसिडरिंग नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेजेज आई रियली होप आप लोग को नॉर्मल और एबनॉर्मल समझ में आओ बस ये देखना कि जो नॉर्मल वाला पार्ट है ना नॉर्मल वाले पार्ट में आपको उसको इस तरीके से कंसिडर करना है कि इन्फ्लेशन शो होगा मतलब प्राइसेस बढ़ जाएंगे उसके इसमें और जो एब है क्योंकि वो रोका जा सकता था बट आप नहीं रोक पाए तो आपकी गलती है इसके अंदर उसको नॉर्मल इशू के तरीके से ट्रीट करना है वो इस तरीके से दिखाना है तो इसका भी स्क्रीन ले लो सो दैट प्रैक्टिस कर पाओ और मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए सॉल्व करके कि लीफो से लास्ट इन फर्स्ट आउट से आपका क्लोजिंग स्टॉक का कितना वैल्यू आ रहा है तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टूडेज पार्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन आई रियली होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और आप प्रैक्टिस कर सकते हो फीफो लीफो वेटेड एवरेज ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन वेस्टेजेस ये सब आप एक बार अपनी बुक्स में से प्रैक्टिस करो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रहा है हम उसको भी जल्दी से दूर करने की कोशिश करेंगे थैंक यू सो मच एवरी वन गाइज प्लीज शेयर द वीडियो सो दैट हमारे स्टूडेंट्स को पता चले क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चला कि हमने बी कॉम बी वाले वीडियोज भी बना दिए हैं तो मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट्स में कुछ और नई चीज़ों के साथ तब तक टेक केयर बाय बाय